अपन आहोत मेरठ मध्ये, मेरठ ची जनता काय म्हणते ती आपण पाहूयात। हमारे साथ में यहाँ के लोग है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक, मयंक भाई मुझे एक बात बताओ कि मेरठ के डेवलपमेंट के लिए किसने काम किया? देखो मेरठ के डेवलपमेंट लो या उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट लो, समाजवादी पार्टी ने काम करा। उससे पहले बसपा आई थी, बसपा का शासन भी बहुत अच्छा था और उन्होंने भी काम किया। ऐसा ही नहीं कि समाजवादी ने करा, उससे पहले बसपा ने भी खूब काम किया, पर भाजपा जैसा सरकार है इसने कुछ काम नहीं करा। अच्छा, कुछ भी नहीं किया? नहीं, केवल अब जब बिल्कुल लास्ट था, लास्ट में एक खेल विश्वविद्यालय दिया, वो पूरा होगा या नहीं होगा उसका भी किसी को कुछ नहीं पता। दिल्ली मेरठ हाईवे जो है वो बनाया है, इसलिए उसका असर होगा क्या है, क्या लगता है? नहीं। अच्छा, उसका नहीं होगा? 20% असर मानते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ का यूथ जो है, यूथ के लिए कुछ बनाया है क्या? यूथ के लिए कुछ भी नहीं बनाया, यूथ को रोजगार नहीं दे रहे। एक बात बताओ, आप फ्री राशन बांटोगे, उन्हें एक तरह से भिखारी बना रहे हो। अच्छा, लेकिन बट रहा है फ्री का राशन? फ्री का राशन कब से बट रहा है? 2 महीने हुआ है, चुनाव जिस दिन खत्म होगा उस दिन खत्म कर देंगे। बाबा क्या हाल है यहाँ पे? मतलब कि भैया बाबा क्यों कह रहा है? मैं तो ठीक है, मैंने चादर ओढ़ ली। अच्छा, लेकिन हूँ तो तुम्हारी उम्रों का ही। अच्छा, और अच्छा, लेकिन यहाँ के राजनीति की उम्र क्या कम लग रही है कि हर बार कुछ ना कुछ अलग सा दिख रहा है? राजनीति की उम्र? राजनीति की तो कोई उम्र ही नहीं होती, और इससे पुराना कोई चीज नहीं। अच्छा, तो बताओ कि इस बार बदलाव हो गया या नहीं, बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे माहौल है या नहीं? जी अगर बदलाव होगा तो बहुत गलत होगा। बीजेपी आनी चाहिए, कम से कम सुरक्षित हैं। अच्छा। हमारी बहन बहु बेटियां सब सुरक्षित हैं। अच्छा। अखिलेश का राज आ गया तो हमारी बहन बेटियों का निकलना दुर्भर हो जाएगा। अच्छा। व्यापारियों का व्यापार करना दुर्भर हो जाएगा। अच्छा। पता नहीं किस समय रंगदारी के लिए फोन आ जाए। अच्छा। या जो है कोई किसी व्यापारी का किडनैप हो जाए। अखिलेश जी एक तरफ तो कहते हैं कि मेरी नई समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर आप उनके कैंडिडेट उठा करके देखें तो सारे कैंडिडेट नंबरी हैं। अच्छा, मतलब जितने भी उन्होंने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर करे हैं। आप ये पीछे नौजवान है क्या है, मतलब कि लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार या फिर बाकी कोई चीजें दी है, किसकी सरकार ठीक लग रही है आपको? जी बीजेपी की सरकार सही लग रही है। बीजेपी की सरकार सही लग रही है। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? भाई साहब तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो कुछ हुआ नहीं है। कि डेवलपमेंट तो नहीं सर, पढ़ाई के क्षेत्र में सही काम किया है बीजेपी ने। क्या किया है, काम किया है? एसपी के सपा के मुकाबले बीजेपी ने नौजवानों को नौकरियां वोकरियां सही मिली हैं। अच्छा, कौन से क्षेत्र में मिली भाई साहब, एक गिनवा देना जरा। डिफेंस के क्षेत्र में कौन सी आई? एयरफोर्स, NDA, वो होता ही है। कैसी बात कर रहे हो, मतलब तुम तो बताए। योगी जी ने कहा है कि मैंने 4.5 लाख नौकरियां 5 साल में दी हैं। एक बात बताओ, सुनो, नहीं एक मिनट सुनिए, कही है कि 4.5, आपका बेटा लगा, मैं लगा, आपका बेटा, बालक, बहू, बच्चे, कोई लगे, इतने सुनो मेरी बात, 5-7 आठ ऐसे तो जो है बिल्कुल नहीं, ये नहीं पता किसी का कि किसको लगेगा किसको नहीं। सुनो, अगर ये निकालते हैं, ये एक टॉपिक का है कि यहाँ पे बीजेपी के शासन में लोग सिक्योर है। हाथरस में जो हुआ था वो भी बीजेपी के शासन में। एक मिनट सुनो, ठीक है, लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ था, समाजवादी में हुआ था। जो अभी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी वो बीजेपी की सरकार में नहीं थी, समाजवादी या बसपा में था। ऐसे तो भाजपा की भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके सपा की भी बहुत सारी चीजें। मुझे बताइए, दोनों की भी बात सुन ली है, क्या यहाँ पे लोग सिक्योर है अभी? सिक्योर। अच्छा, सरकार बीजेपी की आनी। अच्छा, क्या वजह है? यहाँ पे तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोविड में बहुत से लोग, मतलब जिनका बिजनेस था वो बंद हुआ है। सुरक्षित है तो रोजगार भी है, सुरक्षित नहीं है तो रोजगार कहाँ मिले। अच्छा, आपके बच्चों को मिला किसी को रोजगार? छोटा उस बात को, हम कहते हैं हम सुरक्षित हैं तो ठीक है। हमारे बच्चे है ही नहीं इस लायक कि हम जो है वो करें। मेरा बच्चा, इस लायक से मेरा मतलब है कि बच्चे जो है सब सेटल्ड है तो उसे फिर रोजगार की क्या जरूरत है? क्या हालात यहाँ पे, डेवलपमेंट हुआ है क्या? तो बताओ जी जरा। हाँ भाई साहब, और रही कोरोना की बात बता दो। देखो बीजेपी की सरकार में डेवलपमेंट तो हुआ है। देखो बहुत सो के कच्चे मकान थे, जिनके बेरोजगार थे, जिनके मकान नहीं बना पा रहे थे, उनको दो 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 लाख, ढाई ढाई लाख रुपए उनको दिए गए हैं बीजेपी की सरकार में। अच्छा, निकाले गए हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि किसानों में गुस्सा है किसान आंदोलन के ऊपर,
क्या किसान आंदोलन के ऊपर क्या गुस्सा है यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपने उस हालात का पता है कि भाई क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं, पेमेंट ठीक आ रहा है। अच्छा, किसानों का पेमेंट भी ठीक कर दिया है, सड़कें उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। अच्छा, हाँ, और रही रोजगार की बात, देखो ये तो सबका चलता ही रहे, कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए। अब की बार थे, दोबारा आएंगे, ठीक कर देंगे। क्या गारंटी है कि वो आकर के रोजगार दे देगी? ये अब की व्यवस्था बन जाएगी, सड़कों का हाल। बीजेपी की सरकार में एक तो देखो रोड काफी अच्छे बन गए हैं, काफी सड़कें बहुत अच्छी हो गई है। रोजगार की बात है, रोजगार धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। कोरोना का टाइम है तो इसमें एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप यूथ हो, अखिलेश या योगी? योगी 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 भाई साहब, आप योगी 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 है आप? योगी, हमारे हिसाब से भी योगी सही है। हमारे हिसाब से भी योगी ही आना चाहिए दोबारा। जहाँ तक कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी, सड़क बनी है, कनेक्टिविटी जुड़ेगी तो व्यापार भी सुधरेगा। आप बताओ कि योगी क्यों? योगियों के एक आपको पूरे प्रदेश में वातावरण दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार का है। यहाँ यहाँ आज की महिलाएं माता बहनें सब सुरक्षित है। अभी आपके एक एग्जांपल मैं दूं, एक एक्टिव अगर जो आपकी यहाँ अखिलेश सरकार में खड़ी होती तो 5 मिनट बाद आपको सोतीगंज में मिलती कटी भी, और आप यहाँ एक्टिवा आप रात तक भी खड़ी कर लोगे तो एक्टिवा यहीं खड़ी मिलेगी आपको। ये इन्वायरमेंट है, ये वातावरण है, ये चोर डकैतों में उत्तर प्रदेश सरकार का खौफ है। लेकिन हर बार ऐसा वेस्ट यहाँ पे पश्चिम यूपी में क्यों होता है? हिंदू मुस्लिम के नाम पे क्यों होता है? ये नेता कराते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे कुछ कोई नहीं है। हर किसी मतदाता, हर सरकार की विचारधारा के आधार पे हर कोई अपना वोट देता है। अच्छा, अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो वोट देंगे। पिछली बार सरकार के 54 सीटें इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आई थी, क्या जब हिंदू मुस्लिम लोगों को नहीं दिखाई दिया? किसान नाराज है क्या यहाँ पे? किसान कोई नाराज नहीं है। जब इस देश का प्रधानमंत्री किसानों से कहीं ना कहीं कह देता है कि जो मैं अपने बिल को नहीं समझा पाया, जो मैंने सरकार को बिल, जो मैंने किसानों के लिए बिल लाए तो उन्हें अपनी माफी मांग ली, तो किसान मतलब किसान केवल बिल वापसी तक ही नाराज थे। आज इस समय पे पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भाजपा के साथ है, समर्पित और राष्ट्रवादी सरकार के साथ है। भाई साहब क्या हाल है यहाँ पे मेरठ में? बीजेपी जीतेगी भैया। अच्छा, बीजेपी योगी ने अच्छे काम करवाए तो योगी तो वोट। कौन से काम कर रहे हैं? थोड़ा गिन के बताएं। हाईवे बनवाए उसने, अस्पताल बनवाए उसने। मैं काम आ रही हूँ ना, मेरा कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन जिसने अच्छे काम कराए जीतेगा तो वही। अच्छा, योगी आखिर बताने में कुछ ही मजाया जाओ, चाहे कि किसान ये नहीं करने के, किसान वो नहीं करने के। किसानों का मुद्दा जो है वो कितपत यहाँ किसानों का, सिर्फ जो पार्टी जुड़े हुए थोड़े से जाट, वे तो जाटों को वोट देंगे, बाकी तो बीजेपी को देंगे सब। मैं भी किसान हूँ, क्या बुरा करा? खाद हमें टाइम पे मिल रहा, पहले खाद मिले मिलता नहीं था, लाइन लगा के आदमी रखा था। okay. और ब्लैक चला था, अगर खाद हो भी तो किसी पास ब्लैक चला था। अब खाद जाते ही मिला है। अच्छा, कोई ब्लैक नहीं, आधार कार्ड दिखा और खाद ले लो, नंबर लिखवा के। अच्छा, और क्या चाहिए? ऐसा तो है, ऐसा तो है नहीं, रोटी भी हमारे मुँह में वही गिरेगा। जी भाजपा सरकार नहीं आने की, एक तो उन्होंने बिजली का रेट बहुत बढ़ा दिए, और जो बेरोजगारी है, एक मैं तुम्हें एनटीपीसी की बात बताता हूँ। मार्च 2019 में एनटीपीसी की वैकेंसी निकली 35,000 और ग्रुप डी में निकली 1,10,000। फार्म भरवा लिए, प्रति बच्चे से 500 रुपए ले लिए, 2.5 करोड़ बच्चों ने फार्म भरा, लेकिन आज तक पेपर नहीं हुआ, कहाँ गया कुछ नहीं पता, उसका ब्याज ही लगा लो। ये सरकार ने झूठ बोला, बेरोजगार के साथ छल करा। ये एक इशू है कि जो बेरोजगार जो नौकरियां निकली है वो कहाँ पे गई? रोजगार कौन सी सरकार ने खत्म कर दिया कि भाई रोजगार है ही नहीं? बेरोजगारी कौन सी सरकार ने खत्म, एक बताओ अब तक? ना कोई खत्म कर सकती, जिसके पास ये करना नहीं है ना, वो बेरोजगार हमेशा रहेगा जीवन में। एक बात हो रहा है, भाजपा सरकार के पास कुछ विजन नहीं है। जैसा अखिलेश कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री है, इनके पास कुछ विजन नहीं है, कुछ बता नहीं रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन आते वक्त मुझे हाईवे अच्छा दिखा। अब डेवलपमेंट का एक हाईवे मतलब कि एक रीजन है, नौकरियां आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, लेकिन क्या इससे रोजगार बढ़ेगा या नहीं? इससे कनेक्टिविटी होगी या नहीं? ठीक है, जब हमारे पास चलने के लिए कुछ नहीं होगा तो उस हाईवे का होगा क्या? अरे भाई साहब, 2 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, 4-5 घंटे थे लगते थे। पैदल चलेंगे उस पर? जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, गाड़ी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? गाड़ी थोड़ी मिलेगी, सरकारी तो प्राइवेट होनी चाहिए सब कुछ, जो कि सरकारी आदमी काम करके ही राजी नहीं है। सरकारी नौकरी तो खत्म होनी चाहिए। अभी कल देखा, क्या सरकारी नौकरी होने ही रोजगार है क्या? कोई बंदा अपना काम करता है, अगर आप जॉब करते हो या जी न्यूज में जॉब करते हो, क्या रोजगार नहीं है वो? क्या सरकारी नौकरी से मिलेगी वही रोजगार होगा? हर आदमी को चाहिए सरकारी दल्ला बनना।
ये चाहते सरकार आत्मनिर्भर भारत सरकार ने इतना अच्छा कौशल विकास योजना के माध्यम से लोगों को टैलेंट के दिखाने का अपना मौका दे रखा है, उससे बड़ा रोजगार डेवलपमेंट क्या होगा। रही बात एनटीपीसी की, सरकार ने अभी लिस्ट भी जारी करी है और 500 रुपए लिए थे, सरकार ने 400 रुपए प्रत्येक छात्र के खाते में वापस करे हैं। क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हैं। कौन सी सरकार अच्छी थी, सपा की या बीजेपी की? अब तो सारी तो है ही है जी, महंगाई है, वो काम धाम है नहीं। अभी अभी मिलता है या काम धाम या नहीं? काम है नहीं, जब क्या खाएगा गरीब आदमी? इतनी महंगाई हो गई है कि जिसका कोई हद नहीं, अब काम है नहीं तो क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे। क्या करते हो आप? दही बड़े बेचते हैं भाई। दही बड़े बेचते हैं। अच्छा, दही बड़े बेचते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे सपा में ठीक ठाक तय है या बीजेपी में ठीक ठाक है अभी? बोलो बोलो। अम्बेडकर की सरकार है, ये यूँ कर रहा है। किसके? अम्बेडकर की। लेकिन मायावती तो कहीं पे दिखाई नहीं देती है। मायावती का होना चाहिए साहब। चलो, अगर भाजपा की गवर्नमेंट, अगर भाजपा की गवर्नमेंट नहीं आई और सपा की गवर्नमेंट आ गई या कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, तो इसी में क्या श्योरिटी है कि ये नौकरियां दे देंगे, ये बताइए मुझे। नौकरियों का और ये सब इशू है, लेकिन मुझे बताओ कि और क्या यहाँ पे दिक्कत है? सर, कोई भी पार्टी बैठेगी, पूरी सुविधा कोई नहीं दे सकती है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमारा सुरक्षा देश में है तो बीजेपी से है। अच्छा, बीजेपी से है। हाँ। ओके। लेकिन यहाँ का जो यूथ है वो नाराज है नौकरियों की वजह से। नहीं, नौकरी सब आदमी तो नहीं दे पाएगा, इससे पहले भी तो सरकार बैठी थी कांग्रेस की, कितनी नौकरी दी, सारे विभाग जब भी खाली था। ओके। तो नौकरी तो सारे, मतलब जितने भी बैठेंगे कोई भी भरपूर पूरा नहीं कर पाएगा। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में सुरक्षित रहेगा तो बीजेपी से ही रहेगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म कचौरी है या फिर छोले भटूरे है। भाई साहब, क्या कैसे, मतलब कि इस सरकार में कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया ही है, सब ठीक ही है, बस सब ठीक है भाई, सब बढ़िया ही है। कोविड के बाद अच्छा चल रहा है काम धाम? नहीं, फिलहाल तो डाउन ही है, फर्क है, काफी फर्क था है। काफी फर्क है जी। लेकिन जो सुरक्षितता जो है, मतलब कि कौन से सरकार में अच्छी है सिक्योरिटी की बात? सिक्योरिटी देखो तो फिलहाल यही ठीक है। कौन सी? बीजेपी सरकार? जी जी, फिलहाल यही ठीक है। पहले क्या होता था? रोजगार तो कम है, फिलहाल फर्क तो है, रोजगार रोजगार में तो फर्क तो है, काफी फर्क सा है। रोजगार मिल रहा है या नहीं? जी है, है। अच्छा, और पहले मतलब कि गुंडागर्दी होती थी क्या, या अभी होती है? नहीं, पहले होने तो अब भी हो रहा, कुछ पहले भी हो रहा था। पहले भी हो रहा था जी, अब कम हुआ है या नहीं? नहीं, फर्क तो है, अभी कम है जी। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि हवा किस तरफ है, योगी या अखिलेश, दोनों में से कौन? हवा तो जी इस टाइम देखो बराबर की है, बराबर की है, बाकी समय पे पता लगेगा डिक्लेयर कब होगा। कम ज्यादा कोई नहीं है? नहीं, ये है कि मेरठ जो है, आणि इथे आपण पाहिलेलं आहे की एक संपूर्ण आंकड़ा पूछ रहे हैं। हाँ बताइए। हैं, जैसा आप अभी कह रहे हैं कि अखिलेश की टक्कर है या योगी जी की टक्कर है, अब अखिलेश जी ने क्या दिया या योगी जी ने क्या दिया, आप ये जनता से पूछते हो है ना? और इससे पहले अखिलेश जी की जो सरकार थी, किस सरकार ने क्या क्या दिया उत्तर प्रदेश में, हम वो बताना चाहते हैं। मतलब बोलो ना, बोलो है ना। इस उत्तर प्रदेश में तीन सरकारों ने दिया जो भी कुछ दिया। सबसे पहले जो अजीत जी थे, अजीत सिंह ने कृषि मंत्री हुए, कृषि मंत्री होने के बावजूद उन्होंने 19 मिलों के फैक्ट्री के लाइसेंस दिए। जब 19 मिल यहाँ पे आए तो कितने जनता को रोजगार मिला है ना? अब ये रोज कह रहे हैं कि भाई अखिलेश जी वो बिजली दे दी, पानी दे दिया, जो उत्तर प्रदेश में जो देन है, जो बिजली जो क्षेत्र में है वो अखिलेश की देन है। जितने बिजली घर अखिलेश सरकार में लगे वो किस सरकार में लगे ही नहीं, योगी की सरकार में नहीं लगे। क्या लगता है योगी सरकार में? देखिए, मेरा एक मुद्दा अलग है, सरकारें जो आती हैं काम तो सभी करती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि योगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म किया है। मेरा कहना यह है कि अगर योगी जी शासन में बैठे अनुभाग अधिकारी, विशेष सचिव को करप्शन खत्म कर दें तो इस दुनिया का करप्शन हो जाएगा। सबसे बड़ा करप्शन ही योगी की सीट के नीचे है। अच्छा।
पनप रहा है, समझे, पनप रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, जिला स्तर के जो अधिकारी बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जनता शिकायतें करती है, ठीक है, वो जो वहाँ बैठे हुए हैं उन अधिकारियों से मिलके बहुत अच्छा पैसा लेके उसको ख़त्म कर देते हैं। दूसरी बात, ये जो दिखावा चल रहा है जन सुनवाई केंद्र का, जो जन सुनवाई IGRS कहते हैं, इस IGRS से पब्लिक का चूतिया बनाया जा रहा है। किसी IGRS से किसी भी व्यक्ति का भला नहीं हुआ है, क्योंकि योगी एक दिखावा करते हैं कि मैंने भ्रष्टाचार खत्म किया है, योगी की सीट के नीचे ही मिल रहा है, जिला लेवल का भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा अगर योगी शासन में बैठे अनुभाग अधिकारी विशेष सचिव सचिव का भ्रष्टाचार रोक दे और बदमाशी रोक दे तो भ्रष्टाचार क्राइम खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार जो है, करप्शन, रोजगार, ये सगले मुद्दे जे आहेत ते आता निकालतो दिसून येतील की नेमके पांडुरंगाचा जड़ा आहे अखिलेश की योगी। कॅमेरामन राजेश रामराज शिंदे, झी मीडिया, मेरठ। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे 24